Hello students. Today we are going to start chapter The Rise of Nationalism in Europe History Tenth. This is Yogita Sharma. So, first of all, we will see that uh, this chapter started from the picture which you can see here. This picture was made by the French artist Frederick Sorriu. अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये जब पिक्चर बनी थी तब ऐसी ही पिक्चर फ्रेडरिक ने करीब चार पिक्चर्स ऐसी और भी पेंट की थी और उस वक्त यूरोप में कि एक भी आ, कंट्री ऐसा नहीं था जो नेशन स्टेट बन गया हो अब भी नेशन स्टेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द मैसेज विच इज़ गिवन बाय द फ्रेडरिक्स और यू इन दिस पिक्चर सो यू कैन सी हेयर सो मैनी कंट्रीज़ रिप्रजेंटिंग दे आर फ्लैग्स दे आर मार्चिंग एंड देर इज़ अ फीमेल फिगर ऑल्सो विच इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी और सभी उसको क्रॉस करते हुए जाने सबसे आगे, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस है और उसके पीछे पीछे बाकी कंट्रीज भी आते जा रहे हैं और आप देखिए ऊपर आस में आ, बहुत सारे देवता हैं एंजल्स हैं जीसस क्राइस्ट हैं जो कुछ मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज क्या दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि सभी लोग इक्वल रहें और सब लोग अच्छे से रहें कोई भी किसी तरीके का को कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो वो भी सभी सब लोग भाईचारे के साथ रहें ओके तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की क्योंकि जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था आपको याद होगा जब आप लोग ने नाइन्थ क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन तो कुछ भी अगर स्टार्टिंग हुई थी रेवोल्यूशन की तो वो फ्रांस से स्टार्ट हुई थी नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी फ्रांस से स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे करके ये वर्ल्ड वाइड यानी पहले यूरोप में और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में इस तरीके की आइडियाज़ स्प्रेड होते चले गए थे अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सभी लोग जितना भी यूरोप यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सभी लोग ये चाहते हैं कि डेपोटिज़्म खत्म हो जाए डेपोटिज़्म का मतलब होता है कि राजा के हाथ में यानी रूलर्स जो हैं किंग जो हैं उनके हाथों में जो पावर्स थी वो उसका मिसयूज़ करते थे वो पहले और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और सभी को इक्वल राइट्स मिले इक्वल बिहेवियर उनके साथ हो एक तरह से उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिले तो इसी वजह से सभी लोग चाह रहे हैं कि हमें फ्रीडम मिले हमें एक तरह से इंडिपेंडेंट तो हम लोग वर्क करें सभी ये लोग चाहते हैं राइट अब देखिए आगे हम इसके बात करेंगे देखिए इस पेंटिंग में कुछ आगे की तरफ भी दिखाया गया है देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से अब यहाँ पर कुछ रील्स दिखा दे दिखाई दे रहे हैं देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए पुराने राजा के मुकुट हैं तलवारें हैं कुछ मतलब टूटे हुए चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सभी लोग ये चाहते हैं कि हम जितनी भी पुरानी जो चीज़ें थी पुरानी जिस तरीके की, की जो सिस्टम था वो हम छोड़ दें अब और हम नए एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ हम मूव करें तो इस पिक्चर में लगभग यही सब कुछ रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किस तरह से एक रिवोल्यूशन आ रहा है पूरे यूरोप में और यूरोप के बाद दूसरे कंट्रीज में भी तो ये इस तरीके की, की जो पेंटिंग्स हैं वो आपको आगे भी देखने को मिलेंगी और पेंटिंग से या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी अब आप आपके एग्जाम से पूछे जाए इसको आप अच्छे से देख लीजिए